भागलपुर बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से रविवार को गौशाला परिसर से बूढ़ानाथ मंदिर परिसर तक निशान शोभा यात्रा निकाली गई। निशान शोभा यात्रा गौशाला से बाजे गाजे घोड़े डीजे के साथ निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरी। इस दौरान हजारों की संख्या में महिला पुरुष युवक युवती और बच्चे शामिल होकर जय श्री राम एवं हर हर महादेव का जयकारा लगाते दिखे। इस दौरान पीले वस्त्रों और पगड़ी पहने शामिल हुए श्रद्धालुओं में शिवरात्रि एवं निशान शोभा यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा गौशाला से निकलकर स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, सूजागंज, खलीपाबाग चौक, खरमन चौक होते हुए बूढ़ानाथ मंदिर पहुंची। वहीं कई श्रद्धालु दंडवत देकर बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे और शिवलिंग पर जलार्पण कर पूजा अर्चना की। निशान शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे रथ पर भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही, जहाँ श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। वहीं शोभा यात्रा में पूर्व महापौर दीपक भुवानिया और पूर्व उप महापौर प्रीति शेखर सहित भक्त मंडल से जुड़े सदस्य भक्ति और होली के रंग में रंगे दिखे। साथ ही प्रयागराज के गोकुलधाम से पहुंचे कलाकारों द्वारा शिव तांडव पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई और श्रद्धालु भी भक्ति गीत पर झूमते नाचते दिखे। मौके पर बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के नितिन भुवानिका, मनीष दास, संजय शाह समेत काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। बूढ़ानाथ निशान का साल भर से इंतजार रहता है, हम लोग इसमें बहुत इंजॉय करते हैं, बच्चे बड़े सबों को इंतजार रहता है। हम लोग पूरा बूढ़ानाथ गौशाला से निकलते हुए बूढ़ानाथ तक पहुँचते हैं, इस बीच हम लोग बहुत नाचते झूमते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है हम लोग को बूढ़ानाथ निशान में। हम निशान में शामिल होने आए जो कि बूढ़ानाथ मंदिर जाएगा और हम पूरे साल एक्साइटेड रहते हैं कि निशान उठाएंगे और वो घड़ी आ गई है तो हम बहुत खुश हैं। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के तरफ से ये नौवां साल है जब आज हमारा ये निशान शोभा यात्रा निकल रहा है और ये कह लीजिए कि होली की शुरुआत हमारे इस आयोजन से ही शहर में होती है, जिसका सब लोग हमेशा साल भर इंतजार करते हैं और इस बार तो हम लोग मतलब भरोसा नहीं हो रहा, इतने ज़्यादा लोग उत्साहित से मतलब आ रहे हैं खुद चल चल करके और निशान के लिए कह रहे हैं। इस बार तो हम लोग का निशान आप लोग को सही बताएं कि कम पड़ गया, हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, इतने लोग श्रद्धालु निशान चढ़ाने के लिए बाबा के लिए आ रहे हैं। भागलपुर जिले के 13 ओपी को अपग्रेड करते हुए थाना का दर्जा दे दिया गया। साथ ही 2 अनुमंडल में अपर अनुमंडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। बता दें कि अब उन थानों में भी FIR दर्ज की जा सकेगी। साथ ही जिन 13 थानों को अपग्रेड किया गया है वहां पर पुलिसिंग में भी काफी सुधार होने की उम्मीद है। इसके अलावा 2 CDPO पद, पहला भागलपुर सदर और दूसरा कहलगांव अनुमंडल के लिए भी बहाल किए गए हैं। जिले के 13 थानों में से शाकुंड प्रखंड के सजौर ओपी सहायक थाना को भी पूर्ण थाना का दर्जा मिल गया है। करीबन 45 वर्ष पहले सजौर में ओपी के निर्माण होने के बाद 2024 में पूर्ण थाना बन जाने से यहां के लोगों ने हर्ष जताया। सजौर को थाना का दर्जा दिए जाने के बाद अब यहीं पर प्राथमिकी दर्ज हो सकेंगी। ओपी से पूर्ण थाना में उत्क्रमित करने के शुभ अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था मंगलेश कुमार सिंह, वकील प्रसाद यादव एवं सजौर थानाध्यक्ष सूरज सिंह द्वारा रविवार को थाना का विधिवत उद्घाटन किया गया। पूर्ण थाना बनने पर यहां खुद प्राथमिकी दर्ज होगी, पर्याप्त बल की व्यवस्था रहेगी, साथ ही अपराध पर नियंत्रण भी लग सकेगा। मैं भी जब कार्यरत था सजौर तब भी लगातार पुलिस की जो भूमिका है वो अच्छी रही है। आज से बेहतर विधि व्यवस्था संधारण और बेहतर अपराध नियंत्रण में थाने की भूमिका रहेगी और जो बल की उपलब्धता है वो भी बेहतर हो जाएगी, ज़्यादा स्वतंत्र तरीके से जो अभी थाना उत्क्रमित हुआ। भागलपुर कला केंद्र में आयोजित होने वाली सृजन मेला को लेकर परिधि की ओर से रविवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता यास्मीन बानो और संचालन कला केंद्र के प्राचार्य राजीव कुमार सिंह ने किया। बैठक में अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से सृजन मेला का आयोजन लगातार जारी है और इस वर्ष 20 से 25 अप्रैल तक परिधि और कला केंद्र द्वारा सृजन मेला आयोजित की जाएंगी। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि 2024 के सृजन मेला में फोटोग्राफी प्रतियोगिता में 30 वर्ष तक के युवा भाग ले सकेंगे। इधर पेंटिंग और ड्राइंग प्रतियोगिता को लेकर भी चर्चा की गई।
वहीं प्रदर्शनी को लेकर मनोज पंडित एवं शशि शंकर को समन्वयक बनाया गया, जबकि आयोजन समिति का अध्यक्ष राम शरण को बनाया गया है। बता दें कि कार्यक्रम 3 खंडों में आयोजित होगी, जिसमें प्रथम खंड में बच्चों और युवाओं के बीच सांस्कृतिक प्रतियोगिता होगी। साथ ही सृजन मेला के दौरान आयोजित होने वाली सांस्कृतिक प्रतियोगिता में सामाजिक मुद्दे पर पोस्टर निर्माण, क्राफ्ट निर्माण, फोटोग्राफी, क्ले मॉडलिंग, मंजूषा चित्रकला प्रतियोगिता, नाटक, समूह गीत, समूह नृत्य, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, लोक गीत, सुगम संगीत, एकल अभियंत, स्वर कविता पाठ, युवाओं के लिए कविता पाठ, शास्त्रीय गायन एवं अन्य कई प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। वहीं प्रतियोगिता के दूसरे खंड में भागलपुर समेत बिहार के कई जिले के कलाकारों की शिल्प प्रदर्शनी और कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएंगी। बैठक में उदय, पूनम श्रीवास्तव, गौतम कुमार, अर्जुन शर्मा और जावेद समेत कई रंगकर्मी एवं सांस्कृतिक कर्मी मौजूद रहे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर की सामाजिक संस्था नागरिक विकास समिति के कार्य समिति की बैठक रविवार को पटल बाबू रोड स्थित अंगार कॉम्प्लेक्स में हुई, जिसकी अध्यक्षता अभय कांत झा ने की। इस दौरान समिति की आम सभा आगामी 10 मार्च को देवी बाबू धर्मशाला में आयोजित होने की बात पर चर्चा हुई, जिसमें संस्था के भागलपुर, कहलगांव एवं नवगछिया के प्राथमिक सदस्य भाग लेंगे। आम सभा में अगले 3 वर्षों के लिए संस्था के अध्यक्ष पद पर चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक में संस्था की ओर से ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सर्वसम्मति से पर्यावरण संवर्धन के लिए जागरूकता सहित वृक्षारोपण, निःशुल्क मेडिकल कैंप, विधिक जागरूकता शिविर समेत कई सामाजिक गतिविधियों पर कार्य करने का निर्णय लिया गया। मौके पर समिति के सलाहकार रमन कर्ण, आनंद श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय कुमार निराला, विनोद ढंडनिया समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। भागलपुर सुल्तानगंज में लोजपा की पूर्व विधायक प्रत्याशी नीलम देवी के आवास पर रविवार को लोजपा कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला संयोजक सुबोध पासवान, किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मुरारी पासवान एवं जिला उपाध्यक्ष ज्ञानदेव पासवान शामिल थे। बैठक की अध्यक्षता लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार ने की। इस दौरान प्रखंड एवं पंचायत के लोजपा कार्यकर्ताओं से आने वाली चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करने एवं पार्टी को मजबूती प्रदान करने पर चर्चा की गई। मौके पर अनीश श्रीवास्तव, प्रसिद्ध जायसवाल, अजीत पासवान सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का बैठक समीक्षा बैठक था, जिसमें कि प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी की समीक्षा होनी थी, और हम लोग सोचे हैं कि हर बूथ पर 10 कमेटी हो, 10 युवक हो और मजबूत कमेटी हो। आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, हम लोग संगठन पर विशेष ध्यान दिए हुए हैं ताकि संगठन मेरी मजबूत हो। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि हर बूथ 10 युवक, बूथ कमेटी
कहां तक हमारा बूथ मजबूत हुआ है उनकी समीक्षा की गई है। और हम लोगों ने, हम प्रखंड अध्यक्ष हैं और पंचायत अध्यक्ष, जिला संयोजक महोदय ने, पंचायत अध्यक्ष और जितने भी प्रखंड के पदाधिकारी हैं सभी को निर्देशित किया है, हमें भी निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जो भी सूची छूटी हुई है वो लोकसभा चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने के पहले सौंपे, ताकि जो है हम लोग, जो आदरणीय चिराग पासवान जी हम लोग के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उनके विजन को हम लोग आगे कर सकें।